राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी मामले में हरियाणा, दिल्ली और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार राजस्थान के कई जगह पर छापेमारी की। एनआईए की टीम ने छापेमारी में डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों सहित आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है। छापेमारी में मुख्य आरोपी बलवंत उर्फ बॉबी कटारिया के सहयोगियों से जुड़े ऑफिस और परिसर में तलाशी की। जाँच के दायरे में मानव तस्करी सिंडिकेट भारत के अंदर गुरुग्राम और अन्य क्षेत्रों से संचालित हो रहा था। एमबीके ग्लोबल वीजा प्राइवेट लिमिटेड के मालिक आरोपी बलवंत उर्फ बॉबी कटारिया के लिए काम कर रहे थे। सोशल मीडिया चैनलों के जरिए लालच दिया जाता था और धोखे से जो है वो लाओस भेज दिया जाता था, जहां उन्हें फर्जी कॉल सेंटर में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। मानव तस्करी और साइबर फ्रॉड को लेकर आज एनआईए की टीम ने राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के कई शहरों में एक साथ छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। एनआईए से जारी प्रेस नोट के मुताबिक राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के 5 शहरों में अलग अलग लोकेशन पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बड़ी बात यह कि जिस तरीके से मानव तस्करी और साइबर फ्रॉड को लेकर एनआईए को विशेष जो जानकारी है वो आरोपियों से मिली थी, उसके बाद इन अलग अलग लोकेशन पर आज सुबह से सर्च चलाया गया। फिलहाल जो सर्च यहां पर इन 3 राज्यों के 5 अलग अलग लोकेशन पर चलाया गया है, इससे काफी मात्रा के अंदर डिजिटल उपकरण सहित जो अन्य चीजें हैं वो एनआईए को प्राप्त हुई है। एनआईए आने वाले दिनों में किस तरीके से मामले का खुलासा करती है ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा, लेकिन पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से एनआईए की तरफ से जांच जारी है उसके तहत ये कहा जा सकता है कि एनआईए ने मानव तस्करी से जुड़े हुए लोगों और साइबर क्राइम करने वाले लोगों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज।